हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। और आज हमें सी लाइफ सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, आज मैं आपको दिखाऊंगा सी लाइफ सनशाइन कोस्ट। इसमें एंटर करते ही सबसे पहले एक ओपन एक्वेरियम बना रखा, जिसमें आप देख पा रहे होगी कि ये कई तरह की स्टिंग रेज हैं। इसमें कई डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की, काफ़ी अच्छा सा, इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन अच्छा है देखने में ये। काफ़ी ये सी लाइफ एक्वेरियम मलुलाबा में पड़ता है और इसकी एक बंदे की टिकट $47 की है, जो कि आप एक पूरा दिन इसमें घूम सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख सकते हो। और अगर आप एडवांस में ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो आपको $35 की टिकट मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ठीक है, रिजनेबल है। मतलब जिसमें कि आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हो। स्टिंगरे जोन के बाद जैसे ही आप एंटर करते हो तो अंदर जाके कई डिफरेंट डिफरेंट एक्वेरियम बना रखे हैं, जो जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं, और उनके बारे में यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी लगा रखी है। ये भी काफ़ी अच्छा सा जोन है, जो कि पूरा अंदर अंदर बना रखा है विद फुल डिटेल, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स हैं यहाँ पर। और आगे भी इसी तरह का जोन काफ़ी सारे एक्वेरियम बना रखे हैं, जिसमें कई तरह की फिशेज हैं। सबके नाम तो नहीं पता, जितने हो सकेंगे मैं आपको शो करूँगा जो इन्होंने साइड में डिटेल लगा रखी है। फिर उसके बाद आगे जाके फिर कुछ से कुछ बड़े साइज़ के एक्वेरियम हैं। और फिर नेक्स्ट ये है सी हॉर्स का एक्वेरियम, काफ़ी छोटे छोटे क्यूट से सी हॉर्स हैं, सारे इकट्ठे हो रखे हैं इसमें, तो ये भी एक जोन है यहाँ पर। और इससे नेक्स्ट ये वाला कौन सा है, हाँ ये है सी ड्रैगन, काफ़ी स्मॉल सा सी ड्रैगन है। इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लगा रखी है इन्होंने कि कहाँ क्या पाया जाता है। और आगे आके इन्होंने एक किड्स प्लेइंग एरिया बना रखा है, जो कि अभी के लिए तो यहाँ पे शायद बंद है, कोई मतलब यूज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक मतलब ठीक सा एरिया है। और ये है गाइस जेली फिश जोन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की जेली फिश हैं। सबसे स्टार्टिंग में ये है मून जेली फिश, जो कि काफ़ी क्यूट हैं, काफ़ी बढ़िया। और इसके आगे भी इन्होंने यहाँ पे कई तरह की जेली फिशेज रखी हुई हैं। और ये नेक्स्ट है अपसाइड डाउन जेली फिश, जो कि प्योर वाइट जेली फिश है, ये भी काफी अच्छी हैं। जेली फिश जोन के बाद ये कुछ आगे का जो एरिया है, यहाँ पे भी कुछ बड़े बड़े एक्वेरियम्स हैं, और कुछ फिशेज जैसे ये कि ओपन टाइप के पूल में भी रखी गई यहाँ पे, ये भी अलग अलग तरीके की फिश है यहाँ पर। और ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, जो कि यहाँ का सुपर साइज, जिसे एक्वेरियम बोल सकते हैं या बड़ा पूल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके नीचे एक टनल है, उस टनल से आप जा सकते हो, और जिसमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज की शार्क, स्टिंग रेज, छोटी से लेके बड़ी हर तरह की फिशेज हैं। और अगर आप यहाँ लेट टू लेट अगर 10:30 तक आ जाते हो तो यहाँ पे जो कि सील शो, पेंगुइन शो, ये सारी चीज़ देख पाओगे। अगर आप लेट आते हो तो काफ़ी बड़ा एरिया है, जिसमें देखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ मिस हो जाएगी। तो जब भी आप प्लान करो तो कोशिश करो कि सुबह जल्दी आओ। जैसा कि आप देख पा रहे हो एक टनल की तरह रास्ता है, ऊपर पूरा पानी है, ग्लासेस लगा रखे हैं पूरे स्ट्रोंग, जिसमें ऊपर शार्क, स्टिंग रेज, सी टर्टल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं। ये जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ के, आप रियल में सी लाइफ को देख सकते हो,
कि भाई कैसे सी के अंदर ये सारी तरह की फिश और बाकी क्रिएचर बिहेव करते हैं। और इसी तरह का ये काफ़ी बड़ा जोन बना रखा है, काफ़ी लंबी टनल है जिसमें आप आगे चलते जाओ तो अलग अलग तरह की शार्क वगैरह और बाकी फिशेस को आप देख सकते हो। सही है, देखने लायक चीज़ है। और आप ये एक टनल का प्रॉपर थोड़ा सा व्यू देख सकते हो कि भाई किस तरीके से बनी हुई है, ऊपर किस तरीके से ग्लास लगा हुआ है और कैसे सारी फिशेज यहाँ पे तैर रही हैं। ये दोनों तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको, इस साइड से भी, इस साइड से भी। और ये देखो गाइज, यहाँ पे डाइवर आ रखे हैं यहाँ पे इसमें, और आगे ये लोग बता रहे थे कि ये इनको सभी फिशेस को फीड भी करते हैं। देखता हूँ अगर फीड करेंगे तो दिखाता हूँ आपको आगे। और ये डाइवर देखो गाइज, यहाँ पे इनको सभी को फीड कर रख रहे हैं। सारी मछलियाँ चारों तरफ इकट्ठी हो रखी हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। देखने में थोड़ा सा रिस्की लगता है कि भाई ये स्टिंगरे वगैरह काफ़ी खतरनाक होती हैं, पर शायद इन्होंने अपने सेफ्टी के पूरे जो भी मेजर है ले रखे होंगे। और इनका नेक्स्ट अट्रैक्शन है ये सील शो, जो कि ये भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। ये दिन में एक या दो बार होता है यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जब भी आओ तो टाइम निकाल के आओ, ताकि आप कोई भी शो मिस ना करो, क्योंकि टिकट का तो आपको पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप कितने शो देखते हो या क्या देखते हो, ये भी काफ़ी अच्छा शो है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है पेंगुइन जोन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं, दुनिया के सबसे छोटे पेंगुइन्स हैं, द लिटिल पेंगुइन्स। यहाँ पे भी एक तरह की ये मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं पेंगुइन्स के बारे में, इसे शो बोल सकते हो या जो भी कहो, उसके बारे में बताते हैं कि भाई ये कहाँ से हैं, क्या है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।